see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hey guys, what's up? Sayed Ayan with another vlog. By the way guys, आ चुका एक न्यू ब्लॉग के साथ. एंड गाइज, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा होगा, तो आप लोग गैस करो मैं कहाँ पर आया हूँ. तो दिखाता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ आप लोग. आप लोग ने गैस कर लिया था, जो जो गैस कर रहा है, सही गैस कर रहा है वो कमेंट में ज़रूर कर देना है क्या गैस कर रहा है. तो गाइज, आप लोगों को मैं बता देता हूँ मैं कौन से. सो गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ. तो उसका रेस्टोरेंट का नाम है ऑटो वन. तो आप लोग देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में, RCT मॉल में. तो आप लोगों को गाइज, अगर आना हो तो आप लोगों को मैं डिटेलिंग में डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा. मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ. सो गाइज, ये RCT मॉल में, RCT मॉल 3rd फ्लोर पे, फूड कोर्ट के फ्लोर पर आओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर. चलते हैं अंदर, लेट्स गो. एंड आप लोगों को थोड़ा आगे का इंटीरियर बता देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना ज़रूर, वीडियो एंड तक देखना. सो गाइज, ये वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना. तो चलो चलते हैं अंदर. आप लोगों को एंट्री करते साथ ही राइट साइड में ऑटो वन का लोगो मिलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑटो वन का लोगो दिखा रहा हूँ. एंड उसके ठीक बाजू में एक स्क्रीन मिलेगी चिल मारने के लिए, जैसे कि उसमें मैच दिखा रहा है. एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग को रेस्टोरेंट का पूरा लुक दिख रहा होगा. एंड आप लोग को इसमें मालूम भी पड़ रहा होगा कि रेस्टोरेंट में कितनी स्पेस है. सो गाइज, वन टेबल पे आप लोग 6 पीपल, ज्यादा से ज्यादा 8 पीपल बैठ सकते हो एकदम कम्फर्टेबल होके. गाइज, ये रेस्टोरेंट की ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गाइज ये एक ऑर्डर ट्रैक है. आप लोग ऑर्डर करोगे तो आप लोग के टेबल पे आके ऑर्डर रुकेगा. गाइज, आप लोग देख सकते हो ये टेबल पे आके कैसा रुक गया. एंड गाइज, उसके ठीक आगे राउंड टेबल भी आप लोग को दिख रहा होगा. सो गाइज, यहाँ पर ड्रिंक स्टॉल भी आप लोग को दिख रहा होगा. एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग ड्रिंक करते हो तो यहाँ पर बहुत से ब्रांड्स भी, और यहाँ पर आप लोग को अलग अलग शेप के ग्लास दिखाऊंगा. और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर बहुत से ब्रांड्स है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्रांड्स दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो. सो गाइज, यहाँ पर हमने ऑर्डर कर चुका है, ऑर्डर आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, थोड़ा सी वेट करो. गाइज, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है. तो फर्स्ट ऑर्डर का आप लोगों को नाम बता देता हूँ. गाइज, फर्स्ट ऑर्डर का नाम है हम्प्टी डम्प्टी. एक हिसाब से ये फ्रेंच फ्राइज है, इसमें शेजवान चटनी मिक्स है. गाइज, हमारा सेकेंड ऑर्डर भी आ चुका है. तो गाइज, आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर का नाम बता देता हूँ, क्रिस्पी टेम्प्यूरा सुशी. गाइज, हमारा थर्ड ऑर्डर भी आ चुका है. थर्ड ऑर्डर का नाम है चीज गार्लिक पास्ता. गाइज, यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट में क्रिस्पी टेम्प्यूरा सुशी सर्व किया एंड टेस्ट किया. सो गाइज, यहाँ पर मैं चीज गार्लिक पास्ता टेस्ट कर रहा हूँ. एंड ये चीज गार्लिक पास्ता मेरे को बहुत अच्छा लगा. गाइज, हमारा फोर्थ ऑर्डर भी आ चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग देख के समझ ही गए फोर्थ ऑर्डर. एंड गाइज, यहाँ पर मैं फिफ्थ ऑर्डर की पहले चटनी उठाऊंगा और फिर फिफ्थ ऑर्डर उठाने जा रहा हूँ. सो गाइज, यहाँ पर मैं फिफ्थ ऑर्डर उठा लिया हूँ और अपने टेबल पे रख दिया. एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग को मैं फिफ्थ ऑर्डर का नाम बता देता हूँ. तो फिफ्थ ऑर्डर का नाम है चारकुल पनीर. सो गाइज, मैंने ज्यादा करके वेज मंगाया, मेरे को वेज ट्राई करना था. एंड गाइज, मैंने अपनी प्लेट में चारकुल पनीर सर्व किया और यहाँ पर पिज्जा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ. सो गाइज, मेरे से एक गलती हो गई, आप लोग को मैंने फिफ्थ ऑर्डर का पहले नाम बता दिया. तो गाइज, आप यहाँ पर मैं आप लोग को फोर्थ ऑर्डर का नाम बता रहा हूँ, मलेशियन मैक्सिकन पिज्जा है. आप लोग को ये पिज्जा ही है एक हिसाब से, लेकिन इसका नाम अलग है. गाइज, यहाँ पर मैं पिज्जा उठाया तो आधे से ज्यादा मेरा नीचे गिर गया, खाली मेरे उसमें ब्रेड और मोज़रेला चीज आई, आप लोग देख.
गाइज हमारा सिक्स ऑर्डर भी आ चुका है। तो सिक्स ऑर्डर का नाम है पनीर टिक्का ग्रेवी और उसके साथ है तंदूरी रोटी। तो यहाँ पर मैं वापस से चालू कर दिया हूँ टेस्ट करना। गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, तो आप लोग देखो। सो गाइज ये भी एक ऑर्डर ट्रैक जैसा है, तो लेकिन आप लोग इस पे ऑर्डर नहीं कर सकते हो। इस पे जो ये गुलाब जामुन आ रहा है, आप लोग को गुलाब जामुन खाना है तो आप लोग इस पे से उठा सकते हो और इसका कॉस्ट पे कर सकते हो। जैसे कि इस पे गाइज गुलाब जामुन भी आता है। एंड आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, खीर भी आ रही है यहाँ पर, सामने से खीर आ रही है और उस साइड से आप लोग को दिखाऊंगा गुलाब जामुन जा रहा है। तो मेरे साइड से खीर आ रही है तो मैं खीर भी उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को खीर लेना है तो आप लोग को इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग रेस्टोरेंट में अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन आप लोग को मैंने मेन्यू नहीं बताया। तो गाइस आप लोग को मैं यहाँ पर मेन्यू बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप लोग को मैं मेन्यू नहीं बट गाइस आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या है। सो गाइस ये है बारकोड, आप लोग ऑनलाइन सब है इधर, आप लोग यहाँ पर आके स्कैन करो, सब ऑर्डर कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पर मेन्यू नहीं बताया, स्टार्टिंग में आप लोगों को मेन्यू नहीं बता पाया इधर बारकोड का, एंड में आप लोगों को मैं बारकोड बता रहा हूँ। चलो चलते हैं। अब लोग आ चुके हैं यहाँ वहाँ से बाहर, तो आप लोग ने अंदर देखा होगा इंटीरियर और बहुत सी चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। यहाँ पर आओ आप लोग विजिट करो, एंड यहाँ की डिशेस भी बहुत अच्छी है। तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप लोग यहाँ पर आके ट्राई करो। और यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था क्या, इधर मेन्यू ऑनलाइन है, बारकोड स्कैनर है, तो आप लोग ने देखा होगा बारकोड मैंने दिखाया, तो आप लोग घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। सो गाइस आप लोग को मैं यहाँ पर एक यूनिक चीज़ बता दो। तो गाइज आप लोग ने देखा होगा वीडियो में डिश जो आती है, तो वो एक रेलवे ट्रैक जैसी है, तो उस पर डिश रख के आते हैं। मतलब ऐसा डिश पे, मतलब वो रेलवे ट्रैक पे ना डिश रख के आती है, तो वो डायरेक्ट टेबल पे आके रुकती है। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। गाइज अभी हम लोगों को टाइम 11:30 हो चुका है, तो यहाँ पर 11:30 को सब बंद हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मॉल वॉल सब बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को मैं रेस्टोरेंट ओपनिंग का टाइम बता देता हूँ। 12 आफ्टरनून के टाइम पे ओपनिंग होता है एंड नाइट 11:30 को बंद हो जाता है यहाँ पर गाइस। तो अभी 11:30 हो रहा है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल के ब्लॉग एंड कर देंगे। तो चलो चलते हैं स्टे ट्यून्स। ये रेलवे ट्रैक पे कैसा लग रहा है दादी एक्सपीरियंस आपको? बराबर लग रहा है। बढ़िया, बोलो बढ़िया 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 बढ़िया। और यहाँ पर देखो पैर कैसे थर थर कांप रहे दादी के। यहाँ पर हम लोग भटक चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट एग्जिट पे आ गए। हम लोग को जाना था पार्किंग पे, तो अभी देखते हैं कहाँ पर है एग्जिट। गार्ड भैया से पूछते हैं। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड में कैसे जाना है? हाँ ब्लॉगिंग। A few moments later. तो गाइस वहाँ पर हम लोगों को गार्ड भैया थोड़ा चिल्लाए क्योंकि यहाँ पर करना मना है, वो ऐसा बोल रहे थे। तो अभी हम लोग निकलते बाहर, चलो चलते हैं। हम लोग एग्जिट पे पहुँच चुके हैं एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, तो चलो चलते हैं। ये ऑटोमेटिक डोर यहाँ पर अभी बाहर आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑन द नोटिफिकेशन। सी यू गाइस।